मंगलौर विधानसभा सीट से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत मिल गई है। आपको बता दें कि मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन विजयी हो गए हैं। बता दें कि बीजेपी के करतार भड़ाना को कांग्रेस प्रत्याशी ने हराया, वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खूब धूम है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर स्वागत किया है। बता दें कांग्रेस प्रत्याशी 449 वोटों से जीते हैं, वही विधानसभा सीट से निकलकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के करतार भड़ाना को कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भारी मतों से हरा दिया है। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जश्न मन रहा है। वही ये भी बता दें कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, उनमें जश्न का माहौल है। और मंगलौर विधानसभा सीट से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने भारी मतों से बीजेपी को हरा दिया है, वही मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन विजयी हो गए हैं। वही 449 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे और उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। बता दें कि मंगलौर विधानसभा सीट पर आज मतगणना हो रही थी, वही इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। वहीं मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन विजयी हुए हैं। बता दें काजी निजामुद्दीन 449 वोटों से जीते हैं और बीजेपी को भारी मतों से उन्होंने हराया है। वही आपको बता दें बीजेपी के करतार भड़ाना को कांग्रेस के प्रत्याशी ने हराया है। वही हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। बड़ी खबर हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन विजयी हो चुके हैं। अब इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुड़की से सीधे सलमान मलिक। जी सलमान, तो हम देख रहे हैं कि मंगलौर विधानसभा सीट पर यह बड़ा पलटवार हुआ है, जहां बीजेपी को हार मिल गई है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी सलमान, आप सुन सकते हैं? जी, मेरा ये सवाल है कि मंगलौर विधानसभा सीट पर काजी निजामुद्दीन भारी मतों से जीत चुके हैं और बीजेपी के करतार भड़ाना को हार मिली है, तो इस हार का क्या कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की की मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा था, जिसको लेकर प्रत्याशी थे वहां पर, उन्होंने एडली चोटी का जोर लगाया कि वो जो है जीत हासिल करने, लेकिन यहाँ पर जो है भाजपा और कांग्रेस की टक्कर जो काउंटिंग हुई, उसमें भाजपा और कांग्रेस की टक्कर दिखाई, लेकिन यहाँ पर जब फाइनल काउंट तो यहाँ 449 वोटों से काजी निजामुद्दीन का यहाँ पर दावा किया गया, हालांकि जीत उनको उनकी हासिल हुई। है कि जो भाजपा नेता है और भाजपा जो है वो यहाँ पर रिकाउंटिंग की मांग है फिलहाल, हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है उसी को लेकर जो भाजपा के नेता है देखा जा रहा है वो आक्रोशित है। उनका ये कहना है कि जो ये काउंटिंग हुई है इसमें धांधली हुई है और इसको जो है रिकाउंटिंग की जाए, लेकिन अभी ये साफ जाहिर नहीं किया गया, अधिकारियों की नहीं की गई है कि अभी इसमें रिकाउंटिंग होगी या फिर इसको फाइनल किया जाएगा। हालांकि अधिकारी की तरफ से जो एडिशनल अधिकारी है उन्होंने भी फाइनल लिस्ट जो जारी की है वो कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के यहाँ पर जारी की है, उनका साफ तौर से जो है यहाँ पर मोहर लगा दी गई है कि 449 वोटों से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल कर ली है। और यहाँ पर जो करतार सिंह भड़ाना है उनकी यहाँ पर हार हुई, हालांकि तीसरे नंबर पर उबैदुर रहमान उर्फ मोंटो जो बसपा के प्रत्याशी रहे हैं वो तीसरे पायदान पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन है उनकी जीत के बाद तमाम जो समर्थक है उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसी को लेकर जो विधानसभा है तमाम जो कार्यकर्ता है तमाम जो समर्थक है वो सड़कों पर कांग्रेस के झंडे लेकर आए और उन्होंने खुशी जाहिर की और नारेबाजी करते दिखाई दिए। जी जी, तो आगे उनका काम किस प्रकार से दिख सकता है? जिस तरीके आपने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों में खुशी की लहर है, उनके समर्थक बहुत खुश हैं, उन्होंने उनके वादे अब कितने पूरे करेंगे, क्या क्या करेंगे?
देखिए आपको बता दूं कि जो जब चुनाव होता है तो तमाम जो प्रत्याशी है जनता के बीच तमाम अलग अलग तरीके के दावे और वादे करते हैं, उसी को लेकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका जो बयान जारी है उनका साफ तौर से कहना है कि जो उन्होंने जनता से जो दावे और वादे किए हैं वो उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से भाजपा की सरकार है वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और उसी को लेकर जितने भी क्षेत्र की पूर्ण तरीके से जो है उसको सफल करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के क्षेत्र में पानी लेकर हो चाहे वो किसी अन्य उसको पूरी तरीके से वहां पर करने की कोशिश वो करेंगे। हालांकि उनका जो क्षेत्र की जनता है जो उनके उस समय दावे और वादे किए थे उस दावे वादे पर वो खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। वही बीजेपी का इसमें क्या रिएक्शन आ रहा है क्योंकि बीजेपी इस बार भारी मतों से हारी है। बिल्कुल बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अभी काउंटिंग स्थल पर यहाँ पर जो है रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो अधिकारी है अभी स्थिति को काबू किए हुए हैं, वो पूरी तरीके से अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि रिकाउंटिंग हो सकती है या इसी को ही फाइनल किया जाता है। हालांकि अधिकारी की तरफ से अभी फाइनल कर दिया गया है कि कांग्रेस के जो काजी जयाउद्दीन है उनकी जीत हासिल हो चुकी है और अभी देखने वाली बात ये होगी कि आगे का जिस तरीके के यहाँ पर मांग की जाए कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा क्या रिकाउंटिंग यहाँ पर हो सकती है, इस पर भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है कि रिकाउंटिंग हो सकती है कि नहीं। भाई अब रिकाउंटिंग का सवाल आता है तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि मतगणना स्थल पर क्या कड़ी सुरक्षा थी, जायजे कैसे थे वहाँ के? बता दूं कि मतगणना स्थल पर तमाम पूरी तरीके से जो है भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है क्योंकि मंगलोर में जब यहाँ पर मतदान हुआ था उस समय एक लिभारेड़ी क्षेत्र में जो वहां पर बवाल हुआ था उसी को लेकर पहले से ही जो हरिद्वार एसएसपी है वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आए और इसी को लेकर उन्होंने मतगणना स्थल पर तमाम पुलिस फोर्स तैनात किया है सुरक्षा के लिहाज से ताकि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, किसी तरीके की स्थिति ना बिगड़ सके, उसी को लेकर वो पहले से ही चौकन्ना दिखा को लेकर कहीं ना कहीं लगाएगी जो पुलिस की जो चौकसी है वो पूरी तरीके से चौक चौबंद दिखाई दे रही है, किसी तरीके का यहाँ पर कोई मामला दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि तो भाजपा के जो कार्यकर्ता रहता है अभी लेकिन जो जी जी मामले में जानकारी के लिए धन्यवाद सलमान। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काजी निजामुद्दीन के जीतने पर कांग्रेस प्रत्याशियों के में विजय की लहर गूंज रही है, कितने खुश हैं वे हमारी टीवी स्क्रीन पर आप साफ साफ तौर पर जीत सकते हैं। आपको बता दें मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भाजपा को भारी मतों से हरा दिया है।